अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ग्रिल फिश बनाने की रेसिपी बताएंगे। हमने ग्रिल फिश ग्रिल पैन में बनाई है। हमने फिश को धोकर रख लिया है और इस पर निशान लगा लिए हैं। अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बड़े नवाब्स का फिश मसाला, विनेगर। हमने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, बाउल लिया है। इसमें हमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना है, फिश मसाला ऐड कर लेंगे, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हमने सब इंग्रेडिएंट्स एक बाउल में डाल लिए हैं। अब हम विनेगर डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इस मसालों में नमक नहीं मिलाया है। फिश मसाले में ऑलरेडी नमक रहता है, इसलिए हम पहले इसे टेस्ट कर लेंगे, फिर हम इसमें नमक मिलाएंगे। देखिए, हमने टेस्ट कर लिया है, नमक थोड़ा सा कम है। हमने नमक भी ऐड कर लिया है। अब इस मसाले को हम अच्छे मिक्स कर लेंगे। हमारा मैरिनेशन का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे लगा लेंगे फिश पर। अब हम इस मसाले को फिश पर लगा लेंगे। देखिए, हमने फिश पर निशान लगाए हैं। इस निशान के अंदर भी हमें मसाला फिल करना है। ऐसे ही कर हम पूरे फिश को मसाला लगा लेंगे। हमने पूरे फिश को मसाला लगा लिया है। अब हम इसे ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेंगे। ये दोनों तरफ हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है। यहाँ पर हमने ग्रिल पैन लिया है, इसमें हमने तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम पैन में फिश डाल लेंगे। हमने कम तेल डाला है। ग्रिल फिश के लिए हमें तेल ज्यादा नहीं डालना है। एक साइड ब्राउन होने के गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे दूसरी तरफ भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए, एक साइड हो चुकी है फिश। ऐसे ही कर हम दोनों तरफ लाइट ब्राउन कर फिश को ग्रिल कर लेंगे। हमारी फिश दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ग्रिल फिश बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। कोथमीर गार्निश कर प्याज रखकर हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।